देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। और सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी गलियारों से, जहां पर बाजार काफी गर्म है। आपको बताएं, उलट फेर हुआ है बड़ा। चिराग पासवान की पार्टी LJP में बगावत हो गई है। चिराग पासवान के साथ ये बगावत किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने चाचा पशुपति पारस ने की है। इस बगावत के बाद अब LJP के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता चिराग पासवान अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दिया है। पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं। पटना से हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, वाकई में बिहार की सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म है। अब चिराग के खिलाफ चाचा की जो बगावत देखी जा रही है, ये फैमिली ड्रामा की पृष्ठभूमि क्या है, जरा ये समझाइए। देखिए, ये फैमिली ड्रामा की जो पृष्ठभूमि है, ये पहले से, जब रामविलास पासवान जब जीवित थे उस समय से ही ये तैयार हो गया था। लेकिन पशुपति पारस, क्योंकि रामविलास पासवान जो है पशुपति पारस पे, अपने भाई पे काफी भरोसा करते थे और पूरा संगठन पशुपति पारस ने ही तैयार किया था और रामविलास पासवान एक राजनीति करते थे। लेकिन जैसे रामविलास पासवान की जो है ये मौत हो जाती है, उसके बाद से जो है परिवार में जो है अनबन जो है वो शुरू हो जाता है। और खास तौर पर उस समय ये तल्खियां पड़ गई जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और विधानसभा चुनाव में अपने चाचा से बिना पूछे हुए चिराग पासवान ने जो डिसीजन ले लिया कि अकेले ही वो चुनाव लड़ेंगे और खासतौर पर JDU के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तल्खियां उसी समय से जो है वो बढ़ती जा रही थी। चिराग पासवान से काफी लोग नाराज चल रहे थे, चाहे उनके सांसद हो चाहे उनके नेता हो। उनका साफ तौर पर आरोप था कि वो जो है मुलाकात नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, कुछ अपने जो लोग हैं उन्हीं में घिरे रहते हैं। चाचा जो थे वो काफी नाराज थे, जब रामविलास पासवान जीवित थे उस समय भी नाराज थे। तो ये सारी चीजें जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही थी। खासतौर पर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और लोजपा जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोजपा जो है चुनाव जो है NDA के साथ मिलकर लड़ी हुई थी, तो इस तरह से एक मंत्री जो है रामविलास पासवान के बाद मांग हो रहा था कि एक मंत्री दिया जाए। और एक मंत्री बार बार चिराग पासवान वो अपनी माँ को बनाने के लिए ट्वीट कर रहे थे। लेकिन ये साफ तौर पर 3 दिन पहले ये जो है रूपरेखा तय हुई, 3 दिन पहले जो है ये पशुपति पारस पटना में थे, कई बड़े लीडरों ने उनसे जाकर मुलाकात किया, कईयों से उन्होंने मुलाकात किया, पटना में उन्होंने बैठक किया और उस बैठक में उनके सभी सांसद चिराग पासवान को छोड़ के सभी सांसद थे। उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। कल रात में वो ये सभी सांसदों से जो समर्थित जो पत्र लिखा हुआ था उस पत्र को लेके ये आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले हैं। आज जो है वो चुनाव आयोग गए हैं और अब पूरा साफ हो गया है कि LJP के जो नेता हैं अब जो है चिराग पासवान नहीं है, वो पशुपति पारस है। सांसदों ने साफ तौर पर कह दिया कि हम जो है पशुपति पारस को है अपना नेता मानते हैं। पशुपति पारस मीडिया के सामने भी आए, उन्होंने साफ तौर पर जो बातें थी कह दिया। उसी दौरान चिराग पासवान कहकर हमेशा जो है वो इमोशनल गेम खेला करते हैं, तो ले लिया। लेकिन रुपेंद्र ये जरा बताइए, बिल्कुल रुपेंद्र जरा ये बताइए, ये तो हमने समझ लिया कि 2020 में भी जब NDA से अलग होकर चुनाव लड़ा वो शायद उन पर भारी पड़ गया, चिराग पासवान पर। अब चिराग पासवान का फ्यूचर क्या है, ये समझना भी जरूरी है। अब क्या उनके चाचा ने उनके सियासी करियर पर ब्रेक लगाने का काम किया, क्या इसके मायने ये समझे? देखिए, पूरी तरह से उनके चाचा ने उनके जो सियासी करियर है, जो राजनीतिक करियर है, उस पर ब्रेक लगाने का काम किया, क्योंकि चिराग पासवान जो है जमीनी स्तर के नेता नहीं है। वो पहले फिल्म में हीरो थे, पिता और चाचा के जो है आशीर्वाद से वो जिस तरह से हैं वो आगे राजनीति में, उसके बाद सिर्फ पद उन्होंने हासिल कर दिया, पार्टी ठीक से चला नहीं पा रहे थे और इस चीज की चाचा को जो थी काफी दुखती और सियासी करियर पर ब्रेक लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि उन्होंने जब चाचा से फोन किया, चाचा उनको फोन नहीं उठा, फिर चिराग पासवान पशुपति पारस की आवाज जाते हैं, 10 मिनट तक रहते हैं, गेट खुलता है, उसके बाद गेट खुलने के बाद भी वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उसके 10 मिनट के बाद उनकी एंट्री होती है और उनकी जाति से मुलाकात होती है। उस समय हम जी मीडिया ने ब्रेक कर दिया था कि चाचा के साथ जो है उनकी मुलाकात नहीं होने वाली है, चाचा ने मुलाकात नहीं किया है। फिर इमोशनल उन्होंने गेम खेला है कि अपनी माँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, उसके बाद भी कोई तैयार नहीं है और सारी लोजपा की जो नेता है अब जो है नई ऊर्जा के साथ जो आने को तैयार हो गए हैं और अपना नेता जो है पशुपति पारस को मान लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चिराग पासवान जो खेल कर रहे थे उस खेल में खुद फंस गए हैं।
आसमान जो है अब आउट हो गए। अब चिराग पासवान पर निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया जी, वाकई बहुत शुक्रिया रुपेंद्र श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अपडेट यही है, चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया है। एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। तो ये एक नया सियासी मोड़ बिहार की राजनीति में आया है, जिस पर अपडेट लगातार हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख हम कर लेते हैं, वो ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करोड़ों के जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच की अब मांग कर रही है, और इसी बीच ट्रस्ट और राम जन्मभूमि से जुड़े कई लोगों ने इन आरोपों को खारिज भी किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन का बेनामा 2 करोड़ में हुआ था, उसी दिन उस जमीन का अग्रीमेंट ट्रस्ट के साथ 18.5 करोड़ में किया गया, और आरोप है कि बेनामे और अग्रीमेंट के बीच का समय महज कुछ मिनटों का ही रहा है। इस खबर पर अयोध्या से हमारे सहयोगी पवन सेनगर है, उनसे पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी, आप सबसे पहले इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सुनिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट आई रेडी यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। पवन सेनगर हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ, उनसे पूरी जानकारी और लेते हैं। पवन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लगाया है, आरोप का आधार क्या है और आगे की प्रतिक्रिया क्या है? हाँ देखिए, आरोप का आधार केवल यही है कि ये 2 एग्रीमेंट होते हैं, 2 रजिस्ट्री होती है, जो जिसमें 5 मिनट का गैप होता है और गवाह एक होते हैं। 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। जो ट्रस्ट बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने ओनर से जमीन 2 साल पहले एक एग्रीमेंट के तहत लिया और 2 करोड़ में पूरा एग्रीमेंट तय किया गया और एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें 50 लाख कैश जो है ओनर्स को दिया गया। लेकिन उस समय तक राम जन्मभूमि या भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ नहीं था, इसलिए जमीन की कीमत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2 साल बाद समय बदला और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भव्य राम मंदिर बनने का, और वहाँ पे जो जमीन के भाव थे वो आसमान छूने लगे। देश विदेश से लोग आकर के वहाँ पे जमीन लेने लगे। इसी दौरान जो प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन बैनामा किया कराया था 2 साल पहले 2 करोड़ में, उन्होंने उस बैनामे को कैंसिल करा करके और उसके साथ रजिस्ट्री कराई 2 करोड़ जितने में बैनामा हुआ था। उसी जमीन को उस बाजार भाव के हिसाब से जो रेट बढ़ गया, उस बाजार भाव से 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को जमीन दी गई, उसकी रजिस्ट्री दूसरी हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब प्रॉपर्टी डीलरों ने 2 करोड़ रुपए में जब रजिस्ट्री कराई, तो उसमें जो साइन करने वाले लोग हैं वो ट्रस्ट के लोग हैं, और जो ट्रस्ट के नाम जमीन जब रजिस्ट्री होती है उसमें भी साइन करने वाले ट्रस्ट के लोग हैं। इस पे ट्रस्ट के लोगों को अभी जवाब देना है, लेकिन अभी तक ट्रस्ट ने जो जवाब दिया वो ये दिया है कि 2 साल पहले का बैनामा उसको कैंसिल करा करके रजिस्ट्री हुई,
रजिस्ट्री के बाद मार्केट भाव पे दो साल बाद जो जमीन के दाम बढ़ गए उस हिसाब से ट्रस्ट को जमीन मिली और उसका पूरा पैसा आरटीजीएस किया गया, यानी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इसमें पैसे का कोई घपला नहीं है, कोई लेन देन का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं जिसको लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बात करें या तमाम मंत्रियों की बात करें या ट्रस्ट के जो लोग हैं उनकी बात करें, उन सभी लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस बात को विपक्ष रखता है और जो ट्रस्ट के लोग हैं किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जो साइन हुआ है वो क्यों हुआ, क्यों जल्दबाजी में रजिस्ट्री कराना था इसलिए साइन हुआ, या इसमें वास्तव में कोई मिली भगत है। जी बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घोटाले का एक बड़ा आरोप लगा है और आरोप लगाया है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, जबकि ट्रस्ट जो है इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। पूरी जानकारी दी हमारे सहयोगी पवन ने।